दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हैदराबाद के मैदान पर जमकर दहाड़ा विराट कोहली का बल्ला। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए आईपीएल का पूरा इतिहास पलट कर रख दिया, लेकिन अपनी टीम को निकट नटराजन ने कराई जबरदस्त वापसी। तो आखिर बेंगलुरु के कप्तान बल्लेबाजों ने कितने रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य हैदराबाद के सामने किया खड़ा? इस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट और किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक? कैसे दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बन गया हैरान कर देने वाला? कब तक खेलेगा इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको ज़रूर दिखलाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली इस बार अपनी टीम बेंगलुरु को आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। दोस्तों, आईपीएल का सबसे खतरनाक मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो हैदराबाद को अपने घर में पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली के साथ कप्तान डब्लेसिस आए और ये दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर लेकर आए अभिषेक शर्मा, इनका स्वागत विराट कोहली ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल लेकर पहले ही ओवर में 10 रन बटोर लिए। हैदराबाद की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार, इनका स्वागत पहली गेंद पर कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम का स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी फाफ डुप्लेसिस रुकने का नाम नहीं लिए पांचवी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। भुवनेश्वर कुमार को ओवर के अंतिम गेंद पर भी फाफ डुप्लेसिस ने खतरनाक अंदाज में चौका जड़ते हुए ओवर को समाप्त किया और अपनी टीम के स्कोर को दो ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह बढ़ना शुरू हो गया। हैदराबाद के गेंदबाजों पर जमकर प्रहार कर रहे थे और विकेट की तलाश में हैदराबाद की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आया खुद कप्तान पैट कमिंग्स, लेकिन इनका स्वागत पहली गेंद पर विराट कोहली ने बेहतरीन चौका जड़कर किया और इसके बाद कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। विराट कोहली अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, उनकी बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि वह आज सर पर कफन बांधकर उतरे हैं, क्योंकि उनके बल्ले से खूब रन निकल रहे थे। और की बल्लेबाजी देखकर बेंगलुरु के कप्तान फाफ डुप्लेसिस रुकने का नाम नहीं लिए। चौथी गेंद पर उन्होंने खतरनाक अंदाज में जटकर इस ओवर के दोनों बल्लेबाज बड़ा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 19 रन बटोर लिए और अपनी टीम को तीन ओवर में 43 रन तक पहुंचा दिया। एक बार फिर विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए हैदराबाद के नए गेंदबाज टी नटराजन, लेकिन विराट कोहली ने इनको भी नहीं छोड़ा। पहली गेंद पर शानदार चौका जड़कर स्वागत किया और बेंगलुरु के दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। हैदराबाद के हर गेंदबाजों पर ये टूटकर प्रहार कर रहे थे और बेरहमी से कुटाई किए जा रहे थे, लेकिन तभी नटराजन ने अपने ओवर की पांचवी गेंद पर बेंगलुरु के कप्तान फाफ डुप्लेसिस को आउलिन का रास्ता दिखा दिया, अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। बेंगलुरु को 48 रनों का स्कोर पर पहला झटका लग गया और फाफ डुप्लेसिस टीम के लिए केवल 25 रन बनाकर चलते गए, लेकिन विराट कोहली मैदान पर अभी भी टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज बिल जेक आ चुके थे और इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर 4 ओवर में 49 रनों तक एक विकेट के नुकसान पर पहुंच गया और हैदराबाद के कप्तान विकेट की तलाश में एक बार फिर बॉलिंग में बदलाव करते हुए गेंद उन्होंने पांचवा ओवर फेंकने के लिए शहबाज अहमद को थमाई। बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों पर पहुंचा दिया, लेकिन शहबाज अहमद ने बेहतरीन गेंदबाजी का नज़ारा दिखाया और केवल 2 रन लिए। बेंगलुरु का स्कोर 5 ओवर में 51 रन तक बन पाया और बल्लेबाज भी अब पवेलियन जा चुके थे, लेकिन विराट कोहली मैदान पर बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर हैदराबाद की तरफ से टी नटराजन, इनका स्वागत एक बार फिर विराट कोहली ने तीसरी गेंद पर खतरनाक अंदाज में लगाकर किया। बेंगलुरु का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और विराट कोहली अकेले दम पर हैदराबाद की गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। देखते देखते बेंगलुरु का स्कोर पावर प्ले
के 6 ओवर में 61 रन तक पहुंच गया। विराट कोहली 18 गेंद पर 32 रन बनाकर खेल रहे थे, वहीं बिल जैक केवल 4 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। और इन दोनों की बल्लेबाजी के बाद भी बचे हुए बेंगलुरु के और बल्लेबाजों को देखकर यही लग रहा था कि बड़े आराम से हैदराबाद के सामने 180 से 190 रनों तक का लक्ष्य बेंगलुरु को टीम को दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद में कौन सी टीम बनेगी इस बार आईपीएल के चैंपियन, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।